महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ी के माध्यम से मासूम बच्चों को वितरित किया जाने वाला पोषण आहार की खंडवा जिले में अफरा तफरी की जा रही थी, जो एक निजी स्थान पर वाहन से डंप किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने छापा मार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में पोषण आहार जब्त किया। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी जिले के खालवा विकास खंड के एक नाले से पोषण आहार मिला था, जिसे फेंका गया था। पुलिस ने एक अनिस तिगाला नामक युवक को भी गिरफ्तार किया है। बच्चों के पोषण आहार को अन्य लोगों को देकर ठिकाने लगाया जा रहा है, जबकि खंडवा जिला कुपोषण के मामले में प्रदेश में अव्वल है। ऐसे में यह बात साफ होती है कि बच्चों को समय पर पोषण आहार वितरित नहीं किया गया, जिसकी अफरा तफरी से यह बात और भी स्पष्ट हो चुकी है। अब कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है कि जब्त पोषण आहार कहां से आया और इसे कहां ले जाया जाने वाला था। पुलिस ने 20 से अधिक बैग पकड़े हैं। इस मामले में जब महिला बाल विकास की परियोजना अधिकारी से चर्चा का प्रयास किया गया तो वे कोतवाली से भाग खड़ी हुई। भारतीय न्यूज के लिए खंडवा से अजीत लाड़ की रिपोर्ट। आज एक मुखबिर से सूचना मिली थी हमें कि एक घर पे जो महिला बाल विकास में जो सामग्री डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें कि सत्तू और खिचड़ी जो खाद्य सामग्री होती है सरकारी सामग्री, वो एक घर में डंप की जा रही है। तो हमने अपनी कोतवाली टीम के साथ जाके वहाँ रेड करे। मौके पर हमें वहाँ पर 20 बोरियाँ मिली और वहाँ पर हमने देखा कि वो सब सामग्री में बैच नंबर जो थे आंगनवाड़ी जो केंद्र है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, तो उन सबको हमने जब्त किया है अभी। और महिला बाल विकास के अधिकारी हमारे साथ आए हुए हैं, तो उसमें पंचनामा बना के आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, किस तरह का प्रकरण दर्ज किया जाएगा और आरोपी को गिरफ्तार किया है? आरोपी को गिरफ्तार किया है, अनीश नाम है उसका, 29 साल उम्र है उसकी और ये गंज का निवासी है। और उसमें हम अभी पंचनामा बनाने के बाद महिला बाल विकास विभाग उसमें कार्रवाई करेगा और FIR एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसकी धारा 3/7 के तहत उसमें अगर कार्रवाई होगी उसमें।